नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स हेल्प, बिकॉज ब्यूटी इज रिक्वायर्ड इन हर्ट नॉट इन द फेस। तो ये बातें कही गई थी APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। तो भारत के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं और भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। देखिए, ये जो बातें जो कोट कहते हैं, तो इनका खुद का जिंदगी का एक एक्सपीरियंस होता है, अपनी तपस्या होती है, जिसके चलते ये माइंड एक्सप्लोर होता रहता है। जितना माइंड एक्सप्लोर होता है, तो अपने अंदर से बातें निकलती हैं, फिर वही जो है आगे स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर करते हैं कि बच्चे मोटिवेट हों, बच्चे भी आगे बढ़े। तो अक्सर जो है जो लोग हैं अपने आप को इसी तरीके से देखते हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, तो इनको पता है कि मैं कैसा हूँ, मैं दिखने में कैसा हूँ। तो उन्होंने उसी हिसाब से यहाँ पर बात कही कि मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हाथ जरूर यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ किसी के लिए, अगर किसी को मदद की जरूरत है। क्योंकि जो खूबसूरती होती है वो दिल से होती है, वो फेस से नहीं होती। तो बड़ी जैसा दिल था वैसे ही इनकी सोच थी, और बिल्कुल ऐसी सोच थी तभी मतलब इतना डेवलप माइंड था। क्योंकि अगर सोच सही नहीं होगी तो माइंड भी सही तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। तो माइंड को ठंडा रखना पड़ता है, शांत रखना पड़ता है, फिर ही वो आपको अच्छे रिजल्ट जो है ना वो निकाल कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का द एडिटोरियल पेज, जो यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का जो पेज है। तो इसमें कुल मिलाकर यहाँ पर 5 एडिटोरियल्स हैं। ओके, तो पांचों के पांचों एडिटोरियल्स हम यहाँ पर एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले वाले एडिटोरियल से। तो पहले वाले एडिटोरियल में बात कर रहे हैं क्रिएट ए मार्केट फॉर कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स, देयर रेलेवेंस ग्रोज विद कैलामिटी फ्रिक्वेंसी। अब देखो, शुरुआत में बात करेंगे अभी जो वेदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है ना, तो उनके जो इंसिडेंस है मतलब नंबर है, वो बढ़ते जा रहे लगातार। जैसे अभी सेवर साइक्लोन्स आए हैं, तो यहाँ पर वेरी सेवर कंडीशन वाले यहाँ पर साइक्लोन्स आए, जिनकी जो स्पीड है वो 155 किलोमीटर प्रति आवर से लेकर यहाँ पर 165 तक, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर तक यहाँ पर स्पीड उनकी है। अभी हाल ही में मई महीने में जो 2 साइक्लोन्स भारत में अभी आए हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कहर ढाया गया है। हमारा जो वेस्टर्न फ्रंट है भारत का, वहां पर भी, जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर भी, तो ये दोनों के दोनों मई महीने में है। तो यहाँ पर पहले था ताउते जो आया था अरेबियन सी में, और दूसरा था यहाँ पर यास जो आया है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में भी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये वाली साइड को ज्यादा प्रभावित किया, और जो ताउते आया था उसने महाराष्ट्र और गुजरात, तो खास तौर पे गुजरात, इसको बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पेक्ट किया। तो यहाँ पर एक सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि जिससे हमें एक कॉल मिल रही है कि हमें एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यहाँ पर बनाना चाहिए फाइनेंस करने के लिए, और जितने भी यहाँ पर नुकसान हुआ है, जहाँ लोगों को यहाँ पर पुनर्वास किया गया है डिजास्टर के बाद में, तो उनको कैसे फाइनेंस करें, तो उसके लिए यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स तो हमारे पास होते, लेकिन उससे परे जाकर, ओके, तो हमें यहाँ पर कुछ सोल्यूशन जो है वो ढूंढना होगा। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स है, तो उनमें इनमें तो सरकार यहाँ पर पैसे देती है, और फिर जाकर यहाँ पर जहाँ पर भी तोड़ फोड़ या फिर नुकसान जो हुआ, इस बार भी काफी नुकसान हो चुका है, और उसकी यहाँ पर भरपाई करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इससे परे जाकर यहाँ पर एक सोल्यूशन ढूंढने की बात करें, तो इसमें कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया जो रास्ता है वो है कि एक इनोवेटिव मार्केट डिजाइन करो फॉर कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स। ओके, तो इनको हम कैट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ओके, तो इससे इससे यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो क्लाइमेटी रिस्क है, जैसे ये तूफान आ गया या फिर भूचाल आ गया, सुनामी आ गई, तो ऐसे कुदरती जो भी रिस्क है ना, तो उनको सिक्योरिटाइज किया जा सके। ओके, तो यहाँ पर ये जो जिम्मा है ना, इसको डिस्पर्स मतलब किया जाए, इसको यहाँ पर जितने भी सहज बुद्धि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि लंबे समय तक जो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मतलब सही दिमाग से वो चलते हैं, कि मतलब कि अगर एक फंड बनाया जाए जहां पर ये सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पैसा रखें, इसी पैसे को यूज करके जितने भी डिजास्टर के बाद नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। ओके, और यहाँ पर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रोसीड कर रहा है, तो यहाँ पर इस ऐसी इनोवेटिव मार्केट की हमें बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड, इसको कैट बॉन्ड भी बोलते थे, कि हाई यील्ड यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये ज्यादातर यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज ही इनको इशू करती हैं। ओके, तो ये हाई यील्ड कहने का मतलब कि अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर, जो ब्याज वगैरह है ना, वो अच्छा खासा मिल जाता है अगर यहाँ पर इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाए, किन्हीं भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकता है सोसाइटी में से। ओके, तो
यहाँ पर इसको डिजाइन किया जाता है कि पैसा उठाया जाता है यहाँ पर कंपनीज के द्वारा। तो यहाँ पर ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो पैसा उठाती है मार्केट से इन द इवेंट ऑफ ए नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक, टोर्नेडो, जैसे अभी साइक्लोन आया तो उसको टोर्नेडो भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी यहाँ पर नेचुरल नेचर के हिसाब से यहाँ पर कोई कंडीशन होती है, तो नेचुरल डिजास्टर कोई भी होता है, तो कैट बॉन्ड जो है वो अलाउ करता है, जो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी होती है फंडिंग मिलती है यहाँ पर बॉन्ड के थ्रू लोगों से और स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन यही है। ओके, तो इससे ये रहता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो जो भी जैसे अकेला भारत सरकार या तो राज्य सरकार करेगी, तो ये सारा का सारा दारोमदार जो है बंट जाता है जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं उनमें। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि इनको बहुत बढ़िया यहाँ पर रिटर्न मिलता है। ओके, इस कैट बॉन्ड्स के चलते तो यहाँ पर ये मतलब रिस्क भी काफी रहता है कि पैसा लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है ना, हाई यील्ड डेट, तो यहाँ पर ज्यादा मुनाफा होने के चक्कर में यहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स हैं या कैट बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर इनको ज्यादातर री इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा ही स्पॉन्सर किया जाता है। जैसे मैंने अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात की कि उन्हीं के द्वारा ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है। और यहाँ पर इसके लिए एक एस्क्रो अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो एस्क्रो अकाउंट होता है, तो उससे यहाँ पर जो पैसा होता है उसको री इन्वेस्ट किया जाता है लो रिस्क प्रोडक्ट्स में, और बाद में यहाँ पर जो है ट्रांसफर किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसने यहाँ पर जो है भुगतान करना होता है जितना भी यहाँ पर कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स के थ्रू जो पैसा उन्होंने उठाया, बाद में जो रिटर्न करनी होती है। ओके, तो उसके उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं, एज अगेंस्ट विच इट हैज सोल्ड इंश्योरेंस एंड अबाउट री इंश्योरेंस। ओके, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो रहता है इंश्योरेंस कंपनी का, जिस तरीके से पैसा उसको मिलता है वो यहाँ पर एक एस्क्रो अकाउंट के थ्रू किसी लो रिस्क के यहाँ पर प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाती है, री इन्वेस्ट करती है, तो वहां से भी इसको थोड़ा मुनाफा होता है, जिसके चलते कि आपको जितने जिसने पैसा लगाया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने उसको भी रिटर्न दी जा सके। तो एस्क्रो अकाउंट के बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था, कल मैंने इकोनॉमिक कंसेप्ट में इसके बारे में बताया था। एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है, जिसका मतलब सिर्फ होता है कि जब तक यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट था किसी दो पार्टीज के बीच में, मतलब किसी एक पार्टी से काम लिया, दूसरी पार्टी ने पेमेंट करनी है, दूसरी पार्टी पेमेंट करेगी तो वहां पर एक एस्क्रो अकाउंट बनाकर करेगी, मतलब एक थर्ड पार्टी अकाउंट होगा। उसमें ऐसा होगा कि जितना आप काम करते जाओगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलता जाएगा। ओके, जब ये काम खत्म हो गया तो एस्क्रो अकाउंट भी खत्म। ओके, तो ये भी मतलब बैंक में ही एक अलग तरीके से थर्ड पार्टी अकाउंट बनता है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दी थी कि जो बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करते हैं, भारत सरकार जब अपना प्लान के थ्रू घर बनवाती है, तो वो भी एक थर्ड पार्टी अकाउंट एस्क्रो अकाउंट खोलती है, जिसके चलते धीरे धीरे करके बिल्डर्स को पैसा देती रहती है कि ये देखे कि कितना काम आपने कंप्लीट कर दिया। ओके, तो ये यहाँ पर इस तरीके से एस्क्रो अकाउंट को यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात करें जो कैट बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर उनको डिजाइन किया जाता है कि अच्छा खासा इनको मतलब हाई कूपन रेट्स मिलते हैं, मतलब अच्छा खासा ब्याज मिलता है, हाई यील्ड मिलता है लोगों को, और इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 3 से 4 साल का होता है। मेच्योरिटी पीरियड कहने का मतलब कि मतलब कब तक ये बॉन्ड्स मेच्योर हो जाएंगे, उसके बाद ऐसा होता है कि जो पर्याप्त इंटरेस्ट बनता है वो वापस करना पड़ता है। तो वैसे मेच्योरिटी पीरियड क्या क्या होता है, जब भी आप शेयर खरीदते हो उसमें ऐसा होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस हो जाती है, और दूसरा जितना इंटरेस्ट रह चुका है जो आपको नहीं मिला है वो भी सारा मिल जाता है। लेकिन इस केस में यहाँ पर थोड़ा अलग है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये पहले निर्धारित करो कि जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल है, तो क्या जब ऐसा कोई कैलेमिटी वाला यहाँ पर इंसिडेंस हो जाता है जिसके खिलाफ की यहाँ पर इंश्योरेंस ली गई है, तो उस समय यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है तो क्या उसको माफ कर दिया जाएगा आधा, या यहाँ पर पूर्ण तौर पर, या जो इंटरेस्ट है उसको माफ कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ आधा इंटरेस्ट माफ किया या फिर पूरा इंटरेस्ट माफ किया, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा सोचने के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पर वही है कि मतलब अगर ऐसा माफ कर दिया जाएगा तो फिर यहाँ पर लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे बॉन्ड्स को क्यों खरीदेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात वही कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं तो उनका बिजनेस साइकिल से कोई लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तरीके से बॉन्ड्स है कि जब जब यहाँ पर नेचुरल क्लाइमेटी होगी तभी यहाँ पर इसको मतलब आपको कोई मुनाफा या आपका जो रिटर्न है वो आपको मिलेगा। ओके, तो नेचुरल क्लाइमेटी होती तभी इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कोई बॉन्ड इशू करती है जिसमें कि ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है पैसा लगाते हैं। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि अट्रैक्टिव यील्ड, मतलब अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट जो है यहाँ पर मिल जाता है अगर यहाँ अगर आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो। ओके, तो ज्यादातर यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के द्वारा ही किया जाता है जिनके पास पर्याप्त धन रहता है,
और इसकी रिगार्डिंग रिस्क भी हमेशा रहता है, कि तो रिस्क भी यहाँ पर उठाना पड़ता है। और इसके अलावा बात करेंगे पोर्टफोलियो ऑफ कैट बॉन्ड्स वुड मेक एम्पल डाइवर्सिफिकेशन सेंस। तो अच्छे तरीके से अगर कैट बॉन्ड्स को एक इसका सिनेरियो अगर बनाया जाता है ना, तो यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हम इसको अच्छे तरीके से। और आगे यहाँ पर बात करें जो पेंशन फंड्स होते हैं, जैसे ईपीएफओ करके हो गया, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे यहाँ पर फंड्स रहते हैं। जैसे यहाँ पर हेज फंड्स की बात करें, तो ये भी क्या होता है कि यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है जो अपने क्लाइंट्स का पैसा जो है ना अपने हिसाब से इन्वेस्ट करती है, कि उनको किसी भी मार्केट रिस्क से जो है यहाँ पर बचाया जाए। एक हेज जो है उनके प्रति क्रिएट किया जाए, तो उस तरीके से यहाँ पर ये हेज फंड्स होते, तो यहाँ पर भी जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है तो इसके रिगार्डिंग उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ओके, तो ऐसे फंड्स की बात करें, पेंशन फंड्स की बात करें, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, तो और भी जितने भी यहाँ पर बड़ा यहाँ पर अच्छा कैपिटल किसी भी यहाँ पर फंड में आपको देखने को मिलता है, तो उनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। और अच्छे तरीके से उनको जो है ना हम यहाँ पर कैट बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा जो है गेन उनको यहाँ पर पॉजिटिवली मिल सकता है। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जो कैलामिटीज के चलते जो रिस्क निकल कर आता है ना, तो उसको अभी वही है कि जो उसका खर्चा फाइनेंस का है, वो उसका जो जिम्मेदारी है ना, वो सोसाइटी के ऊपर डालो। जो सोसाइटी के जो आम लोग हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनके ऊपर डालो। तो अगर यहाँ पर पैसा लॉस भी होता है तो चलो किसी की जगह यहाँ पर लग जाएगा पैसा, तो वैसे तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा ही। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कि ज्यादातर जो अभी पैसा लगाया जा रहा है वो भारत सरकार लगाती है, तो वो भी कहाँ से आता है, जो टैक्स इकट्ठा करती है भारत सरकार। तो वही पैसा अलग से जो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बने होते हैं, तो वहां लगाकर भारत सरकार पैसा मुहैया करवाती है। तो फिलहाल तो यही सिचुएशन चल रही है ना, तो इसको सही कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पर कैट बॉन्ड्स का यहाँ पर जो है ना एक सोल्यूशन के तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कैट बॉन्ड्स यहाँ पर उसकी बात करें कि यहाँ पर एक मार्केट मैकेनिज्म को यूज करते हैं रिस्क ट्रांसफर करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर एक तरीके से डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट वे है फाइनेंसिंग का फॉर डिजास्टर रिलीफ। तो इसमें यहाँ पर जो गवर्नमेंट को डिफिकल्टीज आती है टैक्सेस को कलेक्ट करने में, ओके, तो यहाँ पर उससे भी बचाया जा सकता है। ओके, उन डिफिकल्टीज को दूर किया जा सकता है इस तरीके से। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मिस सेलिंग होती है ऐसे यहाँ पर बॉन्ड्स की, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर जो है रोका जा सकता है। ओके, तो ये सभी सिचुएशन जो है हम यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पेंशन फंड्स की बात करूँ ना, अगर मैं सिर्फ ईपीएफ को ही बात करूं, तो ये तो चलो एक प्रोविडेंट फंड हो गया ना, तो पेंशन फंड अलग से फंड है। ओके, तो प्रोविडेंट फंड में ऐसा होता है कि उसमें भी 14-15 लाख करोड़ का एसेट ऐसे पड़ा हुआ है। ओके, इतने पैसे वहां पर पड़े हैं, तो वहां से भी पैसा लगाकर यहाँ लगाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर वही आ जाती है कि पैसा फिर जो आम लोग हैं उनका है, और अगर वो रिस्क पे चला गया, गुम हो गया, तो फिर यहाँ पर भरपाई कैसे होगी। ओके, तो यहाँ पर ये सिचुएशन पेश की जा रही है कैट बॉन्ड्स के थ्रू। और अभी हाल ही में जो दो साइक्लोन्स आए हैं, तो अभी एक का नाम सुझाया था म्यांमार ने, तौते नाम म्यांमार का था, कॉलम वन में यहाँ पर ये नाम है, और अभी जो दूसरा है उसका नाम यहाँ पर सुझाया था ओमान ने, यास। ओके, और आगे जो नाम है गुलाब, शाहीन, पाकिस्तान, कतर, तो ये थोड़ा सा अगर आगे जितना भी तूफान आएगा ना, तो इस तरीके से नाम उनको दिए जाएंगे। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा नाम किसने सुझाया। तो ये यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो इसका यहाँ पर एक पैनल है ESCAP करके, तो इसका क्या फुल फॉर्म है ESCAP। ओके, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका इसका भी आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये सभी नाम जो ये ऊपर वाले हैं ये मतलब बीत चुके हैं, तो अभी ये वाले जो है ये आ रहे हैं। तो ये नाम जो है सुजेस्ट किए गए हैं, ये जो जितने भी कंट्रीज आप देख सकते हो जो अरेबियन सी के साथ बॉर्डर लगता है, जिनका यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के साथ बॉर्डर लगता है, तो ये तकरीबन उन सभी कंट्रीज को यहाँ पर शामिल किया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर नाम देख लें, ईरान तक यहाँ पर अप्रोच कर रहा है। ओके, तो क्वेश्चंस में ये ऐसे ही आपको पूछा जाएगा, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन, तो ये सभी है यहाँ पर। और इसके अलावा ये कुछ तूफान है जो अलग अलग यहाँ पर एरियाज में उठे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। साइक्लोन तौते अरेबियन सी में था, निसारगा अरेबियन सी में था, एम्फन जो था वो भी वो यहाँ पर ओडिशा और वेस्ट बंगाल वाली साइड में आया था, साइक्लोन केआर जो है ये भी अरेबियन सी में आया, इसके अलावा साइक्लोन महा की बात करें तो ये भी अरेबियन सी में गुजरात वाली साइड, साइक्लोन वायु जो है अरेबियन सी, साइक्लोन हिका ये भी अरेबियन सी, साइक्लोन फानी की बात करें तो ये ओडिशा वाली साइड आया, उसके अलावा बे ऑफ बंगाल 3 की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल में है, और साइक्लोन बुलबुल ये भी बे ऑफ बंगाल में ही आया था। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं एडिटोरियल नंबर 2 में ग्रीन सेंटीमेंट।
ग्रीन सेंटीमेंट 3, ऑयल एंड गैस गैस ओके 0। तो यहां पर क्या बात करें, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जो डच कोर्ट थी ना, नीदरलैंड की कोर्ट है, तो उन्होंने एक फरमान जारी किया था। एक कंपनी है शेल नाम की, तो शेल इंडिया भी है, इंडिया में भी वो काम करती है, ऑयल और गैस में वो मतलब अपनी सर्विसेज देते हैं, और काफी पुरानी कंपनी है। तो इनको, इनके ऊपर यहां पर बोला गया कि आप जो है अपने एमिशंस को कम कीजिए। तो इसी चीज को यहाँ पर ऑथर यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अच्छी खासी डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। तीन यहाँ पर डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं ऑयल और गैस सेक्टर में। तो यहाँ पर क्रिटिकल मोमेंट है ग्लोबल एफर्ट्स के लिए, जो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर से कि क्लाइमेट चेंज जो है ना, इसको सही तरीके से टैकल किया जाए। और अगर डच कोर्ट की बात करें, नीदरलैंड के लोगों को हम डच बोलते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर किया है शेल को कि अपने जो कार्बन एमिशन है उनको यहाँ पर कट किया जाए, जितने भी उनके ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन है वहां पर। तो यहाँ पर 45% बाय 2030 ओके। तो यहाँ पर ये 2030 है ऑफ 2019 लेवल, 2019 के लेवल के हिसाब से जितना एमिशन था ना, उसके हिसाब से यहाँ पर 45% कहा जा रहा है कि 2030 तक यहाँ पर कटौती होनी चाहिए। और इसके अलावा बात कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉल एक्टिविस्ट इन्वेस्टर ग्रुप डेट ऑन 0.02% और एग्जॉन मोबिल्स इक्विटी इक्विटी, तो ये अलग से यहाँ पर दूसरी कंपनी है। तो यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर राजी किया है कि यहाँ की ग्रीन माइनर जो सपोर्ट है वो यहाँ पर सभी स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को साथ में आकर यहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए, ओके, टू सिक्योर टू प्लेसेस ऑन द कंपनीज बोर्ड। यहाँ पर अगर अच्छी खासी दो प्लेसेस अगर कंपनीज के बोर्ड में अगर आपने हासिल करनी है। दूसरे यहाँ पर बात करें, इन्वेस्टर्स है पुश्ड थ्रू ए बोर्ड, तो यहाँ पर एक वोट के थ्रू उनको यहाँ पर आगे पुश किया गया है, इन द टीथ ऑफ अपोजिशन बाय शेवरॉन मैनेजमेंट। तो ये अलग से कंपनी है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अपोज करके चल रही है, जो यहाँ पर इनको कहा जा रहा है कि एमिशंस को अपने को थोड़ा कम कीजिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एमिशन ज्यादातर तो जो निकल कर आ रहा है वो वैल्यू चेन से निकल कर आ रहा है, ना कि उनके जो एसेट्स हैं जिनको डायरेक्टली ये ऑन करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं। तो ये बात यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है। तो तीन कंपनीज की यहाँ पर ये बात कर रही है, एक शेल हो गया, दूसरा यहाँ पर जो है एक्जन मोबिल हो गया, और तीसरा यहाँ पर शेवरन हो गया। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, हम बात करें अगर कमीशन को कम करना है, तो शेवरन यहाँ पर जो ना दूसरी कंपनी है फॉसिल फ्यूल की फर्म्स के हिसाब से, एक्जन मोबिल की बात करें वो थर्ड है, और शेल जो है वो सिक्स्थ है। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पर, सिर्फ ये नहीं ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर को मतलब कि जो वर्स्ट पोल्यूटर कौन सा, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर खराब मतलब सिचुएशन किसकी है, मतलब कौन सबसे ज्यादा यहाँ पर एमिशन फैला रहा है, तो उनको तो यहाँ पर अकाउंटेबल बनाना ही बनाना है कि अपने हिसाब से देखो कम करो इसको। और साथ ही साथ यहाँ पर ये ना जो पब्लिक अवेयरनेस है इसको भी यहाँ पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल मास जो है ना, जो लोग हैं पब्लिक सपोर्ट जो है वो चाहिए, मतलब वो समझें कि मतलब कि अभी इकोनॉमी को तो थोड़े तरीके से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, सोसाइटी जो है वो भी यहाँ पर जो है आगे आए, और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के प्रति जो है अपना जो दायित्व है वो दिखाए। और अगर हम यहाँ पर बात करें शेल की, तो ये इसके खिलाफ जो केस चला था वो एक एनजीओ के द्वारा चलाया गया था, जिसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ नीदरलैंड, और इसके अलावा 17,000 और इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने यहाँ पर केस लगाया। सो यहाँ पर ये पब्लिक डिमांड है, ये मतलब कि जो गवर्नमेंट को धकेल रही है कि यहाँ पर काम किया जाए, कोर्ट्स को धकेल रही है कि यहाँ पर जो बिजनेस है ना उसका यहाँ पर थोड़ा माहौल जो है उसको चेंज किया जाए, क्योंकि क्लाइमेट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे भारत डेवलपिंग कंट्री है, तो उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी खबर है, एज इनडायरेक्ट फुलफिलमेंट ऑफ देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड टू रिकॉग्नाइज द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिच इंडस्ट्रियलाइज नेशन टू डू मोर टू रिड्यूस एमिशंस एंड टेक क्लाइमेट एक्शन, सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ लिटिल मोर रूम टू डील विद क्लाइमेट चेंज व्हाइल एड्रेसिंग डेवलपमेंटल नीड्स। देखो भारत की बात करें ना, तो भारत तो वैसे ही यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, तो हमारा जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है तो उनके ऊपर हमारा टारगेट है कि 2022 तक 175 GW जो एनर्जी है हम यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही हम यहाँ पर पैदा करें, तो एमिशंस के ऊपर यहाँ पर कटौती करें ज्यादा से ज्यादा, ईवी व्हीकल्स के ऊपर हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं ओके। तो यहाँ पर कह भी रहे हैं जिन जिन जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टेस्ला है यूएसए में, वो इलेक्ट्रिक कार्स बना रही, तो उनको भी कहा जा रहा है कि भारत में आके जल्दी से जल्दी अपना प्लांट लगाए। तो भारत सरकार चाह रही है एमिशन को कम से कम किया जाए। अगर मैं रेलवे की बात करूं, रेलवे के जो डीजल इंजन हैं उनको पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, और पूरी सपोर्ट के साथ भारत सरकार यहाँ पर जाल बिछा रही है इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क का रेलवे के लिए। पहले ये 2019 तक का टारगेट था कि पूरे भारतीय रेलवे को इलेक्ट्रीफाई कर देना है,
लेकिन अभी थोड़ा सा ये टारगेट एक्सटेंड हुआ है, लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे एरियाज भी थे वहां पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का या जो ढांचा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया गया। ओके, रेलवेज के अगर रिगार्डिंग में बात करूँ तो यहाँ पर भारत जैसे मुल्क, डेवलपिंग कंट्रीज तो चाहते थे कि जो डेवलप्ड नेशंस है वो यहाँ पर आगे है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि मतलब आप भी रिकोगनाइज करो कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन ने, तो ज्यादातर जो डेवलप्ड नेशन, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले यहीं पर हुआ था, तो इनकी यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर ना जिम्मेदारी बनती है कि वो एमिशंस को कम करने के लिए आगे आए। तो डेवलपिंग कंट्रीज को भी यहाँ पर थोड़ा रूम मिल जाएगा कि वो भी डील कर पाए क्लाइमेट चेंज को, साथ ही साथ उनकी जो डेवलपमेंटल नीड्स है उनको भी पूरा कर पाए। तो यहाँ पर एक लचीलापन यहाँ पर चाहिए, सभी जो यहाँ पर नेशंस है उनको आगे आना होगा। तो यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि आप काम नहीं करें, आपको काम करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पर लीड करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। और अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की, तो यहाँ पर बात करें वेयर इज इंडियाज डॉक्टर फॉसी, तो भारत की डॉक्टर फॉसी कहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर एक्सपर्ट, और यहाँ पर एक्सपर्ट्स की ऐसी यहाँ पर बॉडी चाहिए जो ये जो कोविड का जो संक्रमण है इसको रोक सके अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम सही कर सके, सही तरीके से एनालिसिस कर सके कि कैसे सेकेंड वेव और मतलब जो है अपना अपने आप कन्वर्ट कर सकती थर्ड वेव में, किस तरीके से हमारी तैयारी हो। तो यहाँ पर जो भारत के डॉक्टर फॉसी ना उनकी बात की जा रही, तो भारत के डॉक्टर फॉसी कहाँ पर है, तो अभी हाल ही में कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि भारत ने दो बड़ी यहाँ पर जो हमारे जो कोविड मरीज थे उनको हमने खो दिया, जिन्होंने अच्छा बहुत अच्छा काम किया कोविड के खिलाफ लड़ाई में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर एक कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, तो यहाँ पर फॉर्मर प्रेजिडेंट है IMA के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, तो जिनका नाम है डॉक्टर KK अग्रवाल। तो इनकी मृत्यु हो गई जाते जाते, इनकी एक लास्ट वीडियो भी आई थी, उन्होंने काफी कुछ बताकर भी गए थे कि किस तरीके से आप सरवाइव कर सकते हो। इनको वैक्सीनेशन भी हो गई थी। ओके, मतलब ये वैक्सीनेशन होने के बाद इनकी मतलब दोबारा से जब कोविड हुआ तब इनकी मृत्यु हुई। ओके, तो ये दूसरा यहाँ पर पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग कह रहे हैं कि हमें लॉस हुआ, एक फॉर्मर केरला के यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर है KK शैलजा। ओके, तो उन्होंने कोविड के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी जब फर्स्ट वेव में कोविड यहाँ पर हावी हुआ था, कोविड क्राइसिस आया था भारत में। लेकिन अभी जब नई स्टेट गवर्नमेंट बनी है केरला में, अभी हाल ही में इलेक्शन का रिजल्ट आया 2 मई को, तो उसमें अच्छी जो नई गवर्नमेंट बनी है तो उसमें उनको जगह नहीं दी गई। ओके, तो यहाँ भी जो हमारा देश है सबसे गंभीर समस्या जो है ना उसको अभी फेस कर रहा है हेल्थ क्राइसिस के रूप में, और यहाँ पर जो डेथ के जो केसेस है तो वो भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम नेचुरली ये पूछ सकते हैं कि भारत के जो डॉक्टर एंथनी फाउसी है वो कहाँ पर है, ये कौन है। तो ये है यहाँ पर अमेरिका के, यहाँ पर एक फिजिशियन है, तो यहाँ पर एक तरीके से अमेरिका के एक फेस भी है, जिस तरीके से अमेरिका ने लड़ाई लड़ी है कोविड यहाँ पर क्राइसिस के खिलाफ। और यहाँ पर ये आज के नहीं काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनका काम बहुत सारे प्रीमियर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस उनके साथ रहा है अमेरिका में। ओके, पब्लिक हेल्थ रिसर्च में भी इनका अच्छा खासा नाम रहा है, और US पब्लिक हेल्थ सेक्टर में भी इन्होंने यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर ना अपनी सेवाएं दी हैं। तो यहाँ पर ओवर ए हाफ सेंचुरी, तो यहाँ पर 50 साल तक लगातार यहाँ पर US की जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर वहां पर इन्होंने काम किया है, और साथ ही साथ जो एज ए जो हेल्थ एडवाइजर होता है ना, तो उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने यहाँ पर काम किया है टू एवरी US प्रेजिडेंट। तो रोनाल्ड रेजन से लेकर अब तक जितने भी US प्रेसिडेंट बने, सब सबके साथ इन्होंने यहाँ पर काम किया है एडवाइजर के तौर पर। ओके, और जो रोनाल्ड रेगन थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे 1980s में। ओके, वो तो 1989 तक यहाँ पर उनकी गवर्नमेंट रही थी, तो मतलब शुरुआत करो 1980 से मतलब ये US गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ओके, तो इतना तजुर्बा है इनको। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन किया जा रहा है, तो जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात आई तो यहाँ पर कुछ मुद्दों के ऊपर इनके विचार नहीं भी डले डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि अभी जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप की ही सरकार थी अमेरिका में। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि अनफॉर्चुनेटली भारत ने अपना डॉक्टर फॉसी कभी कल्टीवेट किया ही नहीं। तो ये पिक्चर है डॉक्टर फॉसी की। ओके, तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भारत ने कुछ काम नहीं किया, तो हमारे पास यहाँ पर कोई एक्सपर्ट्स नहीं है कि जिन्होंने यहाँ पर पैंडेमिक को टैकल नहीं किया। तो अप्रैल की बात कर रहे हैं पिछले साल की, कि यहाँ पर 21 मेंबर एक नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स बनाई गई थी, तो यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट यहाँ पर रखे गए थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेंगे पैंडेमिक के रिगार्डिंग कैसे काम करना है। और जो फंक्शनिंग के बारे में अगर हम बात करें ना इस टास्क फोर्स की, तो यहाँ पर सही तरीके से ये काम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर धुंधलापन देखने को मिला, इनके जो
एडवाइजरीज थी सरकार को उसके प्रति, और जिस तरीके से ये काम कर रहे थे, ओके, तो यहाँ पर पूरी आजादी भी इनको नहीं थी काम करने की, यहाँ पर पॉलिसी के चलते भी यहाँ पर उतार चढ़ाव था, और यहाँ पर फेलियर देखने को मिला कि मतलब सेकेंड वेव को ये एक साइड पे नहीं कर पाए। तो फर्स्ट वेव में अच्छे से काम कर पाते तो सेकेंड वेव नहीं आती। और साथ ही साथ अभी हाल ही में एक मेंबर ने रिजाइन भी किया है, तो यहाँ पर उसकी भी यहाँ पर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि मतलब कि स्टेबिलिटी भी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही, जो ये टास्क जो टास्क फोर्स यहाँ पर बनाई गई। आगे बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डॉक्टर फॉसी की ही नहीं, तो यहाँ पर इंडिया के पास यहाँ पर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, तो इस यहाँ पर सीडीसी के जैसा कोई और इंस्टीट्यूशन भी नहीं है भारत के पास। तो ये जो सीडीसी है, सीडीसी जो है यहाँ पर अमेरिका का एक अटलांटा शहर है, तो वहां का मतलब वहां पर इसका हेडक्वार्टर है सीडीसी का। तो ये मतलब एक तरीके से ग्लोबल बीकन के तौर पर ना कोविड-19 के खिलाफ यहाँ पर उभर कर आया। इसने मतलब भारत को भी ना काफी सारी सलाहें दी हैं पिछली वेव में भी, अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल कर आती है कि कैसे काम करना चाहिए और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर फॉसी भी यहाँ पर जो है अपनी ओर से सजेशन देते रहे हैं भारत को। जब ये सेकेंड वेव बहुत घातक हो गया उस समय भी यहाँ पर इन्होंने काफी बातें कही। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी आई थी कि जो हमारी कोवैक्सीन है, तो जो वेरिएंट हमारे यहाँ पर पनपा है, तो उसके खिलाफ कोवैक्सीन सबसे बढ़िया कारगर यहाँ पर जो है साबित हो रही। तो ये इनकी स्टेटमेंट थी डॉक्टर फॉसी की। ओके, तो ये जो सीडीसी है कोविड रिलेटेड केयर और यहाँ पर प्रिकॉशन के तहत मतलब काफी बड़ी तरीके से इसने काम किया, जो गाइडलाइंस जारी की उसके रिगार्डिंग, या प्रिस्क्रिप्शन जो इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपने काम करना है, किस तरीके से आप टैकल कर सकते हो वायरस को। और दूसरा यहाँ पर बात करें कि दिल्ली बेस्ड हमारे पास एक एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है। तो यहाँ पर पहले इसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन से होते हैं, किन्हीं तीन यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीजेस के जो है नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो यहाँ पर इसको डिजाइन किया गया था इसी सीडीसी के हिसाब से, लेकिन ये मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई। टूथलेस बॉडीज को कहा जा रहा है कि जिसके पास कुछ पावर्स ही नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर ना ही कोई कैपेसिटी थी कि अपने हिसाब से कुछ काम कर पाए, ना ही यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट बॉडी थी। तो यहाँ पर ये काम करती थी हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स के, जो यहाँ पर मंत्रालय है हमारा उसके अंतर्गत, जैसे ही यहाँ पर निर्देश आते थे उसी हिसाब से ये काम करती थी। तो आगे हम बात करें, यहाँ पर बात करेगी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात कर लें, या फिर एम्स की बात कर लें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करें, तो यहाँ पर यही ज्यादातर ना ब्रीफ करते रहे थे, मतलब इन्हीं सिमिलर इश्यूज के ऊपर जो यहाँ पर काम एनसीडीसी को दिया गया था। तो आईसीएमआर जो है ये भारत की एपेक्स रिसर्च बॉडी। ओके, तो यहाँ पर दूसरा जो एम्स है, तो एम्स के बारे में आपको पता है कि दिल्ली में सबसे पहले एम्स बना था पूरे भारत में, तो अभी भारत के अलग अलग राज्यों में भी यहाँ पर इनको खोला गया। तो कुल मिलाकर भारत में अभी कितने एम्स हैं? ओके, तो जो आईसीएमआर है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सही तरीके से काम को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग एरियाज में जैसे काम किया, जैसे यहाँ पर पिछले एक साल के प्रति अभी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे टास्क ग्रुप्स बनाए गए, सेटअप किए गए, जैसे नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19, तो ये बनाया गया जो कोविड-19 के बारे में बताएगा भारत सरकार को कि कैसे जो है जो वैक्सीन है उसका मतलब किस तरीके से संचालन करना है, कौन सी वैक्सीन सही है, कौन सी नहीं है, कब कब लगाएं, कितना ड्यूरेशन रखें, कितना गैप रखें, तो ये सब चीजें यहाँ पर बात की जाएगी। दूसरा यहाँ पर बात करें इंडियन सार्स कोव टू जेनोमिक्स कंसोर्टियम। ओके, तो ये दोनों का नाम याद रखिए, जब मेंस का आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो आपको फायदा होगा इसके रिगार्डिंग अगर आप लिखोगे। ओके, तो इन दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे। ओके, और हालांकि जो इनकी इफेक्टिवनेस थी वो लिमिटेड थी, अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए अपने आप को। तो अभी इसी महीने की यहाँ पर शुरुआत की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स यहाँ पर सेटअप किया, जिसमें यहाँ पर टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स रखे गए कि मेथोडोलॉजी बताएंगे कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन है ना तो उनको एलोकेट किया जाए अलग अलग राज्यों को और यूटीज को, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी ये बताएंगे टू फैसिलिटेट ए पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक। ओके, किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है हेल्थ के प्रति, जो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके से उसको काबू में रखकर आगे बढ़े। और आगे हम बात करें कि अगर अच्छी एनसीडीसी हम बनाते हैं, जो हमारा यहाँ पर दिल्ली बेस्ड जो एनसीडीसी है, अगर इसको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं, तो यहाँ पर एक सिंगल फोकल एजेंसी जो है वो हो सकती है हमारे पास, जो कि कोविड टेस्टिंग एडवाइजरी के तौर पर भी काम करे और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में भी यहाँ पर बताए, यहाँ पर जो गाइडलाइंस है पब्लिक रिगार्डिंग वो भी इशू करे, और यहाँ पर अपडेट भी करते रहे साथ ही साथ कि जब भी यहाँ पर कंडीशंस बदलती हैं, जैसे वायरस बदल रहा है अपने आप को, सेकंड वेव थर्ड वेव, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट करते रहे और रेकमेंड करते रहे कि मतलब कि दो डोजेस के बीच में कितना गैप रहे। ओके,
इसके अलावा यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं, तो मतलब कि जैसे अभी लॉकडाउन वगैरह लगते हैं, उस समय यहाँ पर किस तरीके से हमें काम करना है, तो ये सभी चीजें के ऊपर हमें यहाँ पर ये बताता रहे। तो ये सिंगल पॉइंट जैसे इसको बनाया जाए कि एक ही एजेंसी जो है सभी काम हमें बताए कि किस तरीके से आगे बढ़ना है हमें। तो आगे यहाँ पर बात करें जो अभी कंट्रोवर्शियल कुछ यहाँ पर रिपर्पस ड्रग्स थे, मतलब कि जिनको यूज किया जा सकता है COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए, तो ये शुरुआत में काफी इनका नाम था। रेमडेसिविर की बात करें, आइवरमेक्टिन की बात करें, तो और भी बहुत सारी थेरेपी जैसे प्लाज्मा थेरेपी की हम बात कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी को तो हाल ही में जो हमारा ICMR है तो उसने अभी कैंसिल कर दिया कि अभी इसका कुछ फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। प्लाज्मा थेरेपी में जो हमारे जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है इसको, ये येलो यहाँ पर एक पदार्थ होता है, तो उसको अलग से निकाला जाता है और जिनको इम्यूनिटी जिनकी वीक होती है उसको यहाँ पर दिया जाता है, डोनेट किया जाता है। लेकिन ये भी कुछ कारगर साबित नहीं हो रहा। तो ये उनका प्लाज्मा लिया जाता है जिन्होंने COVID-19 के खिलाफ अपनी जंग जीती है, जिनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी है, तो उन्हीं की ब्लड में से प्लाज्मा को निकाला जाता है। तो इसके भी जो सक्सेस के चांसेस थोड़े कम देखने को मिले, जैसे मतलब ICMR ने हाल में बोल ही दिया कि मतलब इतना फायदा इसका नहीं है। तो ये भी ड्रग्स यहाँ पर ज्यादातर मलेरिया के लिए यूज किए जाते हैं, जो अगर मैं रेमडेसिविर की बात करूँ या आइवरमेक्टिन की बात करूँ, तो ये भी इतने शुरुआती सिम्टम्स में अगर इनको ले तो थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन इतना ह्यूजली आपको अच्छे से इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा अगर आपको कोविड हो जाता है। तो यही बात करेगी, ये भी सब चीजें यहाँ पर जो है एक्सेप्ट की जाए और रिवोक की जाए NCDC के द्वारा। तो मतलब फ्यूचर में इनके रिगार्डिंग क्या निर्देश देने, तो ये भी NCDC ही सोचे। तो यहाँ पर एक स्टडीड एविडेंस जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये बात करे, जो भी इनके बारे में अगर ये अगर वो करती भी कि आप इनको यूज करो तो कोई एविडेंस भी दे। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन कुड हैव आल्सो सर्व्ड एज ए नेशनल वॉइस ऑफ अथॉरिटी, राष्ट्र स्तर पर यहाँ पर जो ना एक आवाज के तौर पर यहाँ पर काम करे। तो जो यहाँ पर शोर निकल कर आ रहा है निराधार, यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस यहाँ पर अभी दी जाती है पब्लिक डोमेन में, तो उससे एक साइड पे हटके ना एविडेंस बेस्ड हम यहाँ पर रिकमेंडेशन करनी है जिस भी रिगार्डिंग हम करें यहाँ पर। और आगे यहाँ पर बात करें एडिटोरियल नंबर 4 की, तो यहाँ पर बात करें टेक केयर ऑफ हेल्थ केयर नाउ, तो हेल्थ केयर की टेक केयर करके चलनी है। तो पूरी सिचुएशन समझाइए यहाँ पर जो भारत में हो रहा है, जो बाकी कंट्रीज में हो चुका है, हेल्थ केयर के रिगार्डिंग क्या यहाँ पर सिचुएशंस हैं। तो भारत की यहाँ पर खर्चे की बात करें, भारत सरकार की हेल्थ केयर के ऊपर कितना खर्चा करता है GDP के हिसाब से, तो 2018 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से GDP का 3.5% जो है हम यहाँ पर खर्चा करते हैं एक साल में हमारे हेल्थ केयर के ऊपर। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे नए हॉस्पिटल्स बनाने हैं, चाहे यहाँ पर जो मुफ्त में दवाइयां मिल रही हैं, चाहे इसके अंतर्गत जो स्कीम चल रही है, जो यहाँ पर हेल्थ केयर रिगार्डिंग आपको बेनिफिट पहुंचा रहे, तो हर एक चीज यहाँ पर आ जाती है। तो इसका यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है 7.6% ऑफ GDP ऑफ साउथ कोरिया। तो 2017 में साउथ कोरिया यहाँ पर अपने GDP का 7.6% का जो हिस्सा वो लगाता था अपनी हेल्थ केयर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, हेल्थ केयर के ऊपर। तो यहाँ पर 1994 का एक NIPEP एक पेपर है, इसमें एक स्टडी की गई जिसमें पाया गया कि जो साउथ कोरिया वो 1960s में अपनी GDP का 0.2% यहाँ पर लगाता था हेल्थ केयर के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर, और बाद में 1987 की बात करें तो यहाँ पर 0.4% यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। और इंडिया यहाँ पर स्पेंड करता था 0.5% इन 1960 एंड 0.9% इन 1987। तो आगे बढ़ती हुए यहाँ पर साउथ कोरिया ने उसने यहाँ पर एक अच्छा ह्यूज जंप लगाया अपने खर्चे में, और 1987 से लेकर 2017 तक अभी ये 7.6% हो चुका है उनके GDP का। तो इतना ये पैसा खर्चा करते हैं एक साल में, एक फिस्कल ईयर में। तो यहाँ पर भारत में, भारत के भी यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर उसमें यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला, तो यहाँ पर 2.6% के पॉइंट के हिसाब से ही यहाँ पर जो है बढ़ोतरी देखने को मिली GDP का, जितना भी 2.6% बनता है उसके हिसाब से, ये 0.9% से सिर्फ 3.5% तक ही गया। तो आगे यहाँ पर बात करें US की, तो US का जो टोटल पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो निकल कर आता है 16% ऑफ इट्स GDP। तो अपने GDP का 16% हिस्सा ये खर्चता है, तो इसकी जो इकोनॉमी है, GDP है, तो वो भी काफी ज्यादा है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो ये मतलब अलग अलग क्षेत्र में, चाहे मेडिकेयर का क्षेत्र है, यहाँ पर जो मेडिक एड की बात करें, जो आप सुविधा मिलती है, फ्री दवाइयां वगैरह मिलती है, या चिल्ड्रन की हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें जो खासतौर पर जो अपाहिज लोग होते हैं उनकी इंश्योरेंस की बात करें, लो इनकम ग्रुप की बात करें, नेटिव अमेरिकन इंडियंस की बात करें, मिलिट्री की बात करें, सब सब जगह यहाँ पर ये इनका खर्चा होता है। ये टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर इसकी बात की जा रही है सभी एरियाज में। तो इसमें जो
पेशेंट्स के द्वारा जो अपनी जेब से खर्चा किया जाता है उसको यहाँ पर एक्सक्लूड किया जाता है, तो यहाँ पर उनको बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा ये सभी एरियाज में यहाँ पर किन्हीं शर्त के हिसाब से यहाँ पर जो है पैसा खर्चा किया जाता है। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर ये अपनी जीडीपी का 10% लगाते हैं पब्लिक हेल्थ केयर के ऊपर, और जितने भी यहाँ पर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, जैसे यहाँ पर जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स भी होते हैं, जैसे भारत से ना बहुत सारे लोग यूके में जाते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त कोई यहाँ पर प्रूफ नहीं होता कि वो यूके के सिटीजन है, ओके, तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते अपने आप को यहाँ पर प्रूफ कर पाए किस तरीके से वो आए हैं, तो यहाँ पर ना इलीगली वो चले जाते हैं। तो उन लोगों तक को भी यहाँ पर जो है पब्लिक हेल्थ का यहाँ पर सुविधा दी जाती है, ओके। तो भारत और पाकिस्तान, तो इन दोनों देशों से ही ज़्यादा ऐसे लोग जाते हैं, यूके वगैरह देशों में। तो इसके अलावा यहाँ पर एमरजेंसी की अगर सिचुएशन, तो वहां पर फ्री भी यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीजेस, यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो सूट की बीमारियां हैं उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर फ्री सर्विस यहाँ पर दी जाती है, तो जो कि यहाँ पर फंडेड होती है। कहाँ पर होती है? जो यहाँ पर जो जनरल टैक्सेस इकट्ठे करती है सरकार यूके की, तो वहीं से पैसा यहाँ पर लगाती है, ओके। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो अपनी जनरल पॉपुलेशन है तो उसको भी ये कवर करती है, चाहे वो इन पेशेंट है चाहे वो यहाँ पर आउट पेशेंट केयर है। कहने का मतलब चाहे हॉस्पिटल में उसकी केयर चल रही है पेशेंट की, चाहे वो घर पे अपनी ट्रीटमेंट ले रहा है। तो यहाँ पर इसके अलावा जो मैटरनिटी सर्विसेज होती हैं, ओके, जो यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है, जो आंखों के रिगार्डिंग, जो दांतों के रिगार्डिंग, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, जो यहाँ पर हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, ओके, तो यहाँ पर ये सब मुद्दों के ऊपर ये सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं। और कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 85% से ज्यादा जो यहाँ पर जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है यहाँ पर वो फ्री ऑफ चार्ज ही यहाँ पर बांटे जाते हैं। जैसे आप कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आप ये वाले दवाइयाँ लीजिए, ओके, तो वो ज्यादातर आपको भी जितना भी बन पड़ता है तो भारत सरकार भी फ्री में देती है। जो जो आप या जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो आपके हॉस्पिटल्स आते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ओके, तो जो ड्रग्स यहाँ पर प्रेस्क्राइब, जो दवा प्रेस्क्राइब की जाती है आपके डॉक्टर्स के द्वारा, तो यहाँ पर यूके में जो 85% से भी ज्यादा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर ये 2016 से यहाँ पर इसकी बात करें फ्री ऑफ चार्ज इन ब्रिटेन, इन 2016 की बात करें, ओके। और आगे यहाँ पर बात करें साउथ कोरिया की, तो जो जो ये पब्लिक हेल्थ केयर में ये कवर करते हैं, तो जो मेजर पॉपुलेशन, जो सॉरी मेजर जो प्रपोर्शन है 50 से 80% का जो कॉस्ट है, तो वो यहाँ पर निकल करता है कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर्स, कंसल्टेशंस, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, एक्सीडेंट्स, तो इन सभी एरियाज में यहाँ पर ये फैसिलिटी जो है अपनी सर्विस जो है ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीजन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ही यहाँ पर जो हेल्थ केयर बेनिफिट मिलता है, तो उनके ऊपर भी अच्छा खासा टैक्स लगता है। तो यहाँ पर एवरेज बात करें कि 20% जो यहाँ पर खर्चा है हेल्थ केयर का उन्हीं से यहाँ पर निकाला जाता है, ओके, 20% खर्चा निकाला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बाकी जो सरकार यहाँ पर देती है सपोर्ट देती है वो अलग से बात है। तो ये जो 20% की भी अगर हम बात करें तो ये 100 यहाँ पर डॉलर बनता है यहाँ पर एक मंथ के हिसाब से, ओके। तो ये यहाँ पर सिचुएशन है। और आगे यहाँ पर बात करें कि कैसे भारत जो है वो आगे बढ़ा 0.9% 1987 में, अपनी जीडीपी का इतना हम खर्चा करते थे, अभी 3.5% तक पहुंचे 2018 में। तो ये मतलब 3.5% तक भी कैसे पहुंचे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, इन्होंने हाल ही में 2017 में आयुष्मान भारत प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो ये लो इनकम फैमिलीज के लिए प्रोग्राम था जिनके पास कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, या फिर जो कंडीशन है सोशली जो है बहुत यहाँ पर कमजोर है, ओके, फाइनेंशियली वो थोड़े कमजोर हैं या बैकवर्ड है, तो उनको यहाँ पर एक हेल्थ कवर दिया गया है 5 लाख पर एलिजिबल फैमिली के हिसाब से। तो इसमें ऐसा है कि जो भी एलिजिबल फैमिली है, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे तो उनका प्रत्येक अलग अलग एक कार्ड बनेगा, ओके, तो ये भी ध्यान रखें, ओके। तो 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जितने भी फैमिली में है तो सबको मिलेगा हेल्थ केयर कवर के तौर पर। तो इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल्स, तो वहीं पर आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ और वहां पर आपको इन कार्ड्स के थ्रू, आयुष्मान जो हेल्थ कार्ड बनते हैं उनके थ्रू आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं, ओके। तो ये इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। तो थोड़ा सा अगर किसी के पास ये कार्ड है तो ये भी जानकारी रखें कि आपके शहर में कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जो कि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के अंतर्गत, जहां पर आपको ये सर्विस मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जहां जो भी आपको बीमारी हो, तो जो आपको सिर्फ ये कार्ड दिखाना है, कोई खुद से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और आगे यहाँ पर बात करें इसी प्रोग्राम के चलते जो बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं, तो यहाँ पर उनको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स यहाँ पर मिलते हैं तो बहुत ही कम दामों में मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें कि जो जेनरिक मेडिकेशन है तो वो भी यहाँ पर दी जाती है। तो भारत सरकार यहाँ पर ना अपने जेनरिक मेडिसिन के केंद्र भी चलाती है,
तो आप भी ऑनलाइन चेक कर सकती हो, तो जहां पर आपको सस्ती दवाई मिल सकती है जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। आम मेडिकल स्टोर्स में जाओगे तो थोड़ी महंगी मिलेगी, वो जो जो एमआरपी होता वही लगाते हैं, तो इसमें बहुत धांधली होती है मेडिसिन के क्षेत्र में, तो बहुत सारा ह्यूज प्रॉफिट होता है यहाँ पर, तो इसका अपना पैसा बचाएं, क्योंकि आम तौर पर जो आम इंसान उसका पैसा दवाइयों पे ही लगता है। तो जो यहाँ पर जो भारत सरकार के द्वारा जो केंद्र बनाए गए हैं जेनरिक मेडिसिन के, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो जेनरिक मेडिसिन बिल्कुल सिमिलर होती हैं, जो भी आप यहाँ पर जो इंग्लिश मेडिसिन आप लेते हो तो बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर उसका कोई ब्रांड नेम नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर जो क्वालिटी है वो सेम रहती है, तो भारत सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, तो अलग अलग बीमारियों के लिए आपको ऐसे ड्रग्स मिल जाएंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हेल्थ की बात करें तो वो स्टेट सब्जेक्ट है भारत में, तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि तीन तरह की लिस्ट है भारत के संविधान में, एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यहाँ पर जो भी काम होता है तो वहां पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, स्टेट लिस्ट में यहाँ पर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों की जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार की और यहाँ पर राज्य सरकार दोनों की। तो हेल्थ जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो ध्यान रखें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। और पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर यहाँ पर जो निकल कर आता है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो आपका थर्ड टायर गवर्नमेंट है, जैसे पंचायती राज हो गया, और इसके अलावा जो अर्बन बॉडीज जो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनती है, तो उनको हम लोकल गवर्नमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फेडरल स्ट्रक्चर में जो राज्यों की बात करें ना, तो वहां पर थोड़ी दशा उनकी ठीक नहीं है। ओके, वो अगर खर्चा करें तो वो मतलब इतना खर्चा नहीं कर पाते हेल्थ केयर के सेक्टर में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने आप को यहाँ पर इम्प्रूव करके आगे बढ़ रही है, और अभी जो पैंडेमिक के चलते हुए भी यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने आप को आगे जो है प्रूव कर रही है कि मैं ही सबसे बढ़िया काम कर रही हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स की काम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही यहाँ पर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर बेसिक फंडिंग टू कवर हेल्थ केयर। तो अभी देखो वैक्सीन ही लगवानी है ना, तो भारत सरकार ने अभी कहा है सभी राज्यों को कि अपने अपने हिसाब से जहां से भी इम्पोर्ट करना है खरीदना है कर लो। तो अभी जैसे पहले 100% प्रोक्योरमेंट भारत सरकार करती थी और अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाती थी, तो बाद में कहा कि 50% मैं अभी भारत सरकार खरीदेगी, 50% जो है राज्य सरकारें खरीद सकती है अभी कंपनी से, तो उस 50% में भी 25% खरीद सकती हैं राज्य सरकारें, 25% यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर खरीद सकता है। ओके, यहाँ पर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, दूसरा यहाँ पर जो भारत बायोटेक जो यहाँ पर कोवैक्सीन बना रहा है उनसे, लेकिन ये राज्य सरकारें अभी भी नहीं मान रही है कि नहीं, क्यों, क्योंकि जो राज्य सरकारों को अभी इस तरीके से जो यहाँ पर खरीदना पड़ रहा है, तो ये काफी कॉस्ट मिल रही है, मतलब खर्चा काफी ज्यादा हो रहा है। तो कंपनीज ने जो प्राइस टैग रखा है राज्य सरकारों के लिए अलग रखा है, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए अलग रखा है, केंद्र सरकार के लिए अलग रखा है, तो यहाँ पर सभी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ही हमें खरीद कर दे। तो यहाँ पर वही बात है कि लार्जली डिपेंडेंट है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही। तो यहाँ पर जो बेसिक फंडिंग भी होती है हेल्थ केयर के रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर ये भी कहना गलत है कि इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब ढहता जा रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं, ऐसा नहीं है। तो इंडिया जो है अभी बिल्कुल अभी उस सिचुएशन से निकल रहा है जिस सिचुएशन से इटली ऑलरेडी निकल चुका है, यूएस ऑलरेडी निकल चुका है 2020 में। ओके, तो इटली में सबसे ज्यादा धमाका हुआ था जब फर्स्ट वेव आया था कोरोना वायरस का, तो बहुत सारे लोग 25,000 के आसपास लोगों की यहाँ पर लगातार मृत्यु हो गई थी, तब यहाँ पर बात कही जा रही थी कि मक्खियों की तरह लोग मर रहे हैं इटली में, तो तब वो चीज उन्होंने फेस की, तो भारत अभी फेस कर रहे हैं सेकेंड वेव में। ओके, तो उस समय इटली की भी हालत यही थी कि मतलब जो भी इनका पब्लिक हेल्थ केयर था सब फेल हो गया था, जितने ना इनके पास बेड्स बचे थे, ना इनके पास कोई यहाँ पर जो ऑक्सीजन वगैरह या वेंटिलेटर्स वगैरह चेक, ना इनके पास बचे थे। तो यूएस की भी 2020 में यही सिचुएशन थी। तो ये न्यूयॉर्क सिटी की बात कर रहे हैं कि आईसीयू बेड्स मतलब यहाँ पर कमी हो गई थी। ओके, तो वेंटिलेटर्स भी यहाँ पर लोगों को नहीं मिले, तो यहाँ पर ये अनफेयर होगा कि अगर हम भारत को ब्लेम करेंगे कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई जैसे सेकेंड वेव के चलते बेड्स नहीं मिले, ऑक्सीजन की यहाँ पर सप्लाई नहीं मिली। ओके, तो यहाँ पर हिस्टोरिकल एक हेल्थ केयर नेग्लेक्ट रहा है। ओके, तो ये बात यहाँ पर ऑथर की तरफ से कहा जा रही है कि पुराने समय में जो सरकारें रही है उन्होंने अच्छा यहाँ पर फोकस नहीं किया हेल्थ केयर के ऊपर। ओके, तो ये बात कही जा रही है ऑथर की तरफ से। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो वो क्या कर सकती है ऐसे यहाँ पर जो बर्डन है उसको खत्म करने के लिए हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर बात करें कि ऑल कंसल्टेशन, बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, सिलेक्टिव हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, तो जो जहां पर जरूरत है वहां पर ही हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट्स की जाए। इसके अलावा जो प्रोसीजर्स हैं, मेडिकेशंस हैं, जो दवाइयां दे रही हैं, जो प्रोसीजर फॉलो करने हैं किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए, जो वैक्सीनेशंस करने, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करो सब कुछ। ग्रेंटली जो बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स को लूट ही नहीं रहे, मतलब कि इस तरीके से होता है ना सिर मंडवा के आगे, तो सिर्फ शरीर नहीं मुड़ रहे हैं उनका,
तो यहाँ पर वो अच्छी तरीके की स्पिरिट हेल्थ केयर जो है ना वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पोजीशन में भी वो नहीं है जो प्राइवेट हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे केसेस ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि अच्छा खासा पैसा वसूला जा रहा है लेकिन अच्छी हेल्थ केयर नहीं मिल रही है यहाँ पर। तो बेसिक जो पैंडेमिक हेल्थ केयर मॉडल जो है, तो हमें इसको एक्सपैंड करना चाहिए और जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनके साथ, जो एक बार अगर हम यहाँ पर इस जो ये क्राइसिस है सेकेंड वेव वाला अगर इससे उभर जाते हैं, तो अब यहाँ पर अच्छे से हमें इसके ऊपर काम करना होगा। और आगे यहाँ पर बात करें एडिटोरियल नंबर 5 में कि क्या रैली जो भारत है वो बिजनेस के लिए ओपन है। तो अभी देखें जो भारत सरकार ने जो नई गाइडलाइंस निकाली थी ना, तो पहले तो उसके बारे में आप दोबारा से रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो। जैसे वो गाइडलाइंस का नाम था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो ये रेगुलेशंस थी जो सोशल मीडिया को मैंडेट करती, जैसे सोशल मीडिया का अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, सिग्नल, फेसबुक हो गया, कि यहाँ पर जो भी गलत ट्वीट करता है, गलत मैसेज यहाँ पर देता है जो भारत की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, या फिर अफवाह झूठी फैलाता है, तो उसका उसको उसका जो ओरिजिनेटर उसको यहाँ पर आपने ढूंढना है, उसका ओरिजिन ढूंढना है आपने। तो ये यहाँ पर ये लॉ कहता है। तो भारत सरकार भी कह रही है कि जो ट्विटर है वो इन रूल्स को नहीं मान रहा है, तो बाकी तो फिर भी जो अभी जो है कंप्लाई करते हैं, मतलब मानना नहीं कर रहे हैं, वो मानते हैं रूल्स को। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं तो ये भी देख लें कौन से हैं। सोशल मीडिया के रिगार्डिंग उनको कह रहे हैं कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर उनको ढूंढे, जो भी यहाँ पर कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी करता पाया जाता है फेसबुक वगैरह, फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, किसी भी यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, ओके, तो यहाँ पर ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना है इन सभी यहाँ पर सोशल मीडिया एप्स को, ताकि जो कि जो कंप्लेन्ट्स हैं उनको 15 दिनों के अंदर उनका निपटारा हो सके। जो भी जो आम यूजर हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि मुझे ये दिक्कत देखने को मिली, या फिर ऐसा कंटेंट चढ़ गया जो यहाँ पर नुकसान कर रहा है, या किसी इंडिविजुअल का कोई नुकसान हुआ, तो वो कंप्लेन उनकी सुनने के लिए यहाँ पर कोई ग्रीवेंसेस ऑफिसर यहाँ पर आपको अपॉइंट करना होगा। और साथ ही साथ मंथली यहाँ पर कंप्लायंस भी रिपोर्ट यहाँ फाइल करनी होगी कि आपने कंप्लेंट्स कितनी रिसीव की हैं 1 महीने में और कितने के ऊपर आपने एक्शन लिया। मतलब भारत सरकार यहाँ पर पूरा मॉनिटर करके चलेगी। डिजिटल न्यूज के रिगार्डिंग यहाँ पर जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, केबल टीवी नेटवर्क, जो रेगुलेशन एक्ट नॉर्म्स है ना, तो उनको फॉलो करने की यहाँ पर बात की जा रही है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज यहाँ पर जो है यहाँ पर बनानी होगी, तो जो कि जो कोड ऑफ एथिक्स है, मतलब जो सही चीज आप प्रसारण करें ओके न्यूज का, तो उसके ऊपर ध्यान रखें और अपनी जो एथिक्स है ना उसको मत भूलें। तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की जो मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पर एक पैनल बनाएगी, ओवरसाइट मैकेनिज्म, मतलब एक निगरानी रख लेंगे मैकेनिज्म जो है ना, वो पैनल जो है वो तैयार करेगी। तो आगे यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको स्ट्रीमिंग मिलती है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जहाँ पर आप फिल्म वगैरह देख रहे हो नेटफ्लिक्स के ऊपर, डिजनी प्लस के ऊपर, या फिर अमेजोन प्राइम के ऊपर, तो उसको भी यहाँ पर रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो ये यह कह रहे हैं कि सेल्फ क्लासिफाइड कंटेंट यहाँ पर होना चाहिए 5 एज बेस्ड कैटेगरीज के हिसाब से। यहाँ पर एक 7+ ईयर्स, 13+, 16+ एंड ए ग्रेड, तो इस तरीके से यहाँ पर बात करते। तो ए का मतलब यहाँ पर अडल्ट है, ओके। तो यहाँ पर ये सभी एज ग्रुप के हिसाब से आपको अपना कंटेंट क्लासिफाई करना होगा कि आप किस चीज का प्रसारण कर रहे हो और कौन से एज ग्रुप को वो चीज देखनी चाहिए, ओके, तो कौन से एज ग्रुप के लिए वो चीज नहीं बनी, और तो ये चीजें आपको पहले से ही बतानी होंगी। तो अभी आप देखोगे जितने भी आप टीवी में भी आप जो टेलीकास्ट देखोगे, अगर कोई ऐसी चीज है जो बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है, तो वहां पर पहले से ही आपको बताया जाएगा, लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी आपको यही चीज अभी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पेरेंटल लॉक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई भी कंटेंट जो है यहाँ पर 13+ या उससे अबव का देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पर पेरेंटल लॉक मतलब कि जो पेरेंट्स है बच्चे के, तो यहाँ पर वही लॉग खोलेंगे तभी यहाँ पर जो है वो आगे देख पाएंगे। तो उस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन बनाने की बात की जाए। तो आगे यहाँ पर बात करें एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म यहाँ पर बनाया जाएगा फॉर कंटेंट क्लासिफाइड एज ए एडल्ट, ओके। तो यहाँ पर जो एडल्ट कंटेंट है उसके लिए भी यहाँ पर एक एज वेरिफिकेशन होगा कि कौन से एज के लिए आपको ये प्रसारित करना है और कौन से एज के लिए नहीं करना है। तो यही यहाँ पर पूरी सिचुएशन है। तो लड़ाई यहाँ पर यही है कि ये जो रूल्स है ना ये टफ लग रहे हैं सभी कंपनीज को, मतलब कि अगर ये ऐसा करेंगे जैसे ओरिजिनेटर ढूंढना है, तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि प्राइवेसी फिर खराब हो जाएगी जो हमारे यूजर्स हैं जो यहाँ पर व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या फिर फेसबुक कुछ भी यूज कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर इनको आर्किटेक्चर जो है अपनी एप्स का चेंज करना पड़ेगा, जिसके रिगार्डिंग अभी भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ओके। तो आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज के टॉपिक में बात कर रहे हैं ESOPS की। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, ओके। तो ये एक प्रोविजन होती है जिसमें कोई भी फॉरेन कंपनी जो है ना
जो कोई भी एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो शेयर्स ऑफर करती है अपनी एम्प्लॉयज को जो यहाँ पर किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि इंडिया में कोई एम्प्लॉय का किसी एमएनसी का काम कर रहा है, एमएनसी यहाँ पर यूएस से बेस्ड है, तो यहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज को एक तो सैलरीज देते हैं ना, तो एक तो यहाँ पर जो है शेयर्स भी अपना इश्यूज कर सकते हैं कि आपका हमारी कंपनी में कुछ हिस्सा है। ओके, तो मतलब कि ऐसे एम्प्लॉयज जो बढ़िया काम कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, कंपनी का संचालन कर रहे हैं, जहां जाकर कोई बोर्ड मेंबर्स होते हैं यहाँ पर, वो हो सकते हैं। ओके, या फिर जिनसे अच्छा काम निकल सकता है, तो उनको यहाँ पर ऐसी ऑप्शंस दी जाती हैं। ओके, तो अपने ही कंपनी का शेयर यहाँ पर कुछ ना कुछ परसेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर 2005 तक की अगर बात करें, तो उस समय यहाँ पर लोकल फर्म जो, अगर उनकी बात करें या फिर जो एमएनसी, तो उनको यहाँ पर परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी आरबीआई से। या अगर अपने किसी भी एम्प्लॉय को आप जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आप अगर दे रहे हो, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर जो है अभी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी कंपनी को। अगर यहाँ पर इंडिया में कम से कम यहाँ पर 15% होल्डिंग उनकी है, जैसे कोई एमएनसी है यूएसए बेस्ड है, तो इंडिया में अगर यहाँ पर आ रही है, तो कम से कम जो भी जिस भी लोगों के साथ टाई अप करके, लोकल फर्म्स के साथ टाई अप करके इन्होंने यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप किया है इंडिया में, तो उसमें कम से कम उसी एमएनसी की 15% होल्डिंग है। ओके, तो वो एमएनसी जो है यहाँ पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत यहाँ पर जो अपने एम्प्लॉयज को अपना कंपनी का शेयर जो है वो दे सकती है। तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो आज के लेक्चर का। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।